हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय संस्थापक संयोजक सुशील ओझा ने अपने नागपुर प्रवास में भगवान परशुराम मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। संस्था की ओर से उनका सत्कार किया गया। इस अवसर पर उन्होंने विप्र फाउंडेशन के कार्यों एवं अरुणाचल प्रदेश में निर्माणाधीन परशुराम प्रतिमा की जानकारी सबके समक्ष रखी। कार्यक्रम में विप्र फाउंडेशन के महेंद्र शर्मा, श्रीमाली गोंदिया से पधारे भीकमचंद शर्मा, आनंद पुरोहित का सत्कार किया गया। लालचोट ब्राह्मण सभा की कार्यकारिणी मंडल ने उत्साहपूर्वक कार्यक्रम संपन्न करवाया। इस अवसर पर पंडित गोपाल कृष्ण पांखला, चंद्रशेखर पांखला, अनिल शर्मा, गजानन पुरोहित, हरीश कुमार शर्मा, ओम प्रकाश जोशी, किशोर पुरोहित, चिरंजीलाल शर्मा, गोविंद जयपुरिया, रतन शर्मा, संजय शर्मा, दीपक जोशी, दीपक शर्मा, नंदकिशोर हट्टिका, प्रशांत शर्मा, मुकेश शर्मा, जितेंद्र शर्मा, आनंद चौबे, मुन्ना शर्मा, आचार वाले, रमेश शर्मा, संतोष शर्मा, पंडित सोमनाथ द्विवेदी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट गोपाल शर्मा ने किया। आभार गोविंद शर्मा ने माना। पिछले 5 दशकों से रेशिमबाग में सेवारत बैंक ऑफ इंडिया की शाखा का अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नए आकर्षक परिसर में स्थानांतरण किया गया है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मंच पर आंचलिक प्रबंधक संतोष एस, शाखा प्रबंधक सुरेश सिरसिकर, अनूप मंगले और समाजसेवी नरेंद्र सतीजा उपस्थित थे। अपने प्रास्ताविक भाषण में सिरसिकर ने कहा कि ग्राहकों के सहयोग से बैंक निरंतर प्रगति पथ पर है। ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नए परिसर में समुचित व्यवस्था की गई है। इसी तरह सतीजा ने कहा कि बैंक अपने घोषवाक्य रिश्तों की जमा पूंजी के अनुरूप सेवारत है। बैंकिंग के साथ विभिन्न सामाजिक कार्य भी जारी रहते हैं। अपने संबोधन में आंचलिक प्रबंधक संतोष एस ने कहा कि बैंक ऑफ इंडिया के प्रति ग्राहकों का विश्वास बढ़ता गया है, यही हमारी अनमोल पूंजी है। समय के साथ साथ बैंक द्वारा ग्राहकों के लिए नई नई योजनाएं लाई जाती है। कार्यक्रम का संचालन अनूप मंगले ने किया। आभार सुजाता भगत ने माना। कार्यक्रम में श्रीकांत शिवनकर, अनिल मालूकर, एसआर पठान आदि उपस्थित थे। पूर्व नागपुर विधायक कृष्णा खोपड़े के निर्देश पर पूर्व वर्धमान नगर वैष्णो देवी चौक स्थित वैष्णो देवी गार्डन आम जनता के लिए खोल दिया गया है। स्थानीय नागरिकों ने मनोज अग्रवाल व पूनम चंद मालू के साथ विधायक कृष्णा खोपड़े को जानकारी दी, जिस पर विधायक खोपड़े ने मनपा लकड़गंज जोन के अधिकारी को बगीचा आम जनता के लिए तुरंत खोलने का निर्देश दिया। अतः बगीचा आम जनता के लिए अब खुल गया है। पिछले कई महीने से बगीचा रखरखाव के लिए बंद था। स्थानीय नागरिकों ने विधायक खोपड़े का आभार माना। पूनम चंद मालू, मनोज अग्रवाल, डॉक्टर अरुण सोमानी, डॉक्टर छाबरिया, अमृतलाल मालू, मूलचंद बियानी, गिरधर इनानी, सत्यनारायण राठी, राजेंद्र काबरा, आशीष मरजीवे, श्रवण कुमार मालू, नरेश भरत आदि उपस्थित थे। बगीचा खुलने से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने जीएसटी काउंसिल द्वारा जीएसटी दरों के युक्तिकरण के प्रयासों की सराहना की है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया है कि दरों को युक्तिसंगत बनाने के साथ साथ जीएसटी अधिनियमों और नियमों की नए सिरे से समीक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि मौजूदा जीएसटी ढांचे के सरलीकरण की बहुत आवश्यकता है। कैट ने इस मांग रखने के संबंध में देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों से मिलने की योजना बनाई है। कैट 25 और 26 जून को नागपुर में देश के ट्रेड लीडर्स का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है, जो जीएसटी एवं ई कॉमर्स दोनों पर एक राष्ट्रीय अभियान की रणनीति तैयार करेगा। यह अभियान सारे देश में एक साथ 1 जुलाई से शुरू होगा। 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान सभी राज्यों के लगभग 100 प्रमुख व्यापारी नागपुर सम्मेलन में व्यापारियों के अन्य अनेक ज्वलंत मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कुछ दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और जीएसटी अधिनियम और नियमों के सरलीकरण एवं जीएसटी के कर आधार को व्यापक बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को अधिक राजस्व प्राप्त होगा। मनपा में भले ही कई अधिकारी और कर्मचारी एक ही विभाग में कई वर्षों से जमे हुए हो, लेकिन संबंधित विभाग में उनकी आवश्यकता बताते हुए उनके तबादले नहीं हो रहे हैं, जबकि कुछ समय के अंतराल में सहायक आयुक्तों के जोन बदलने की प्रक्रिया बदस्तूर जारी है। इसी श्रृंखला में सोमवार को मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी की ओर से नए आदेश जारी किए गए, जिसके अनुसार 5 सहायक आयुक्तों को अन्य 5 जोन की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही कुछ सहायक आयुक्तों को जोन भी बदलने के आदेश जारी किए। सोमवार को जारी किए गए आदेशों के अनुसार अतिक्रमण विभाग के उपायुक्त अशोक पाटिल अब तक गांधीबाग जोन के सहायक आयुक्त भी थे, अब गांधीबाग जोन के बदले उन्हें नेहरू नगर जोन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा अतिक्रमण विभाग की जिम्मेदारी के साथ ही उन्हें स्मार्ट सिटी के प्रभारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी की जिम्मेदारी भी पूरी करनी होगी।
इसी तरह सहायक आयुक्त गणेश राठौड़ को लक्ष्मीनगर जोन और आशीनगर जोन के अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त किया गया। इसके बदले उन्हें गांधीबाग जोन का सहायक आयुक्त बनाया गया। इसी तरह से लकड़गंज जोन के सहायक आयुक्त के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई। अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल सावनेर में फादर्स डे ऑनलाइन मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल के प्राचार्य राजेंद्र मिश्र ने की। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि हर साल जून माह के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाया जाता है। माँ बाप को धरती पर भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। हमारे भगवान हमारे माता पिता ही होते हैं। हम अपने माता पिता में ही भगवान के दर्शन करते हैं। अगर बच्चे पर माँ अपनी ममता बरसाती है तो पिता बच्चों के लिए उस छत की तरह है जो उन्हें हर दुख से बचाती है। जीवन को खुशहाल बनाने के लिए माता पिता क्या नहीं करते। हम चाहकर भी माता पिता के कर्ज को कभी उतार नहीं सकते, लेकिन हाँ उन्हें कम से कम प्यार और खुशी तो दे ही सकते हैं। माता पिता की निस्वार्थ प्रेम और समर्पण को सम्मान देने और उनका आभार व्यक्त करने के लिए हर साल मदर्स डे और फादर्स डे मनाया जाता है। अगर आप अपने पिता से इस समय दूर है और उन्हें इस मौके पर स्पेशल फील कराना चाहते हैं तो उनके लिए कविताएं लिखकर भी उन्हें शुभकामना संदेश के माध्यम से फादर्स डे की बधाई दे सकते हैं। हल्दीघाटी दिवस के अवसर पर रविवार 19 जून को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर में हल्दीघाटी स्मृति स्थल का लोकार्पण कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में वर्धा के सांसद रामदास तड़स, जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर के कुलपति कर्नल प्रोफेसर एस सारंग देवोत एवं जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर के कुलाधिपति प्रोफेसर बलवंत राय शांतिलाल जानी उपस्थित थे। अतिथियों द्वारा फीता काटकर हल्दीघाटी स्मृति स्थल का लोकार्पण किया गया। मंगलाचरण डॉक्टर जगदीश नारायण तिवारी ने प्रस्तुत किया। लोकार्पण कार्यक्रम में प्रतिकुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद शुक्ल और प्रोफेसर चंद्रकांत रागेट, कुलसचिव कादर नवाज खान सहित विश्वविद्यालय के शिक्षक अधिकारी शोधार्थी एवं विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में माटी है बलिदान की विषय पर आयोजित संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल ने कहा कि हल्दीघाटी स्मृति स्थल से युवाओं को शौर्य की प्रेरणा मिलेगी। हल्दीघाटी विजय दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार 19 जून को विश्वविद्यालय के गालिब सभागार में आयोजित समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर के कुलपति कर्नल एस सारंगदेव एवं कुलाधिपति प्रोफेसर बलवंत राय शांतिलाल जानी उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रतिकुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद शुक्ल और प्रोफेसर चंद्रकांत रागिट, कुलसचिव कादर नवाज खान मंचासीन उपस्थित थे। कुलपति प्रोफेसर शुक्ल ने कहा कि आज का दिन शौर्य की माटी का अभिनंदन करने का दिन है। वर्तमान परिस्थिति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि युवा मन को विद्रूप किया जा रहा है। हल्दीघाटी की माटी उनमें देश के प्रति आत्मीयता का भाव जगाने का काम करेगी। उन्होंने मेवाड़ की महान परंपरा और महाराणा प्रताप के जीवन संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के परिप्रेक्ष्य में उनके बलिदान को याद करने की जरूरत है। खरबी रोड वाठोड़ा स्थित अरिहंत पब्लिक स्कूल का 10वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा का 100% परिणाम आया। इस अवसर पर मेरिट श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों को सम्मानित कर उनका अभिनंदन किया गया। विशिष्ट गुणवत्ता प्राप्त विद्यार्थी नरगिस अंसारी, आचल सिंह, सुधांशु शर्मा, आचल गुप्ता, सोफिया शेख, लक्ष्मी सहारे, निशा उपराडे, गुड़िया शाहू, उर्वशी मौंदेकर, मिताली शाहने, वैष्णवी बोरकर, आयुषा अंबुले, शिवानी पासवान, विधाता बिसांद्रे, कशिश गुप्ता, साहिल पटले, सौरभ गुप्ता, ओम पारधी, लोकेश गाठे, मयंक गुप्ता, इन छात्रों का शालेय साहित्य, भेंट वस्तु, पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों का अभिनंदन करते हुए अपने संबोधन में कहा, अपना ध्येय निश्चित कर प्रामाणिकता से कठोर परिश्रम करें, समाचार पत्रों का वाचन करें, मोबाइल आदि उपयोग आवश्यकता अनुसार करें, अपनी रुचि तथा योग्यता अनुसार पाठ्यक्रम का चुनाव करें, प्रशासनिक स्पर्धा परीक्षा की तैयारी करने की सलाह दी। मंच पर संचालिका जयश्री नखाते, मुख्याध्यापिका वृषाली चंदन खेड़े, पूनम पडोले, नीलेश मुले, भक्ति नखाते, योगिता कुरटकर, रजनी अग्रवाल, अश्विनी चंदन बावने, अभय भगत, पराग कोरडे, सिराज अंसारी आदि शिक्षक शिक्षकेतर वर्ग ने सफलतार्थ प्रयास किए। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए मनपा के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोविशील्ड का टीका उपलब्ध होगा। टीका दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है।
मानसून आगमन की घोषणा के 5 दिनों बाद सिटी में सोमवार की रात बादल झूम कर बरसे। महज 1.25 घंटे के लगभग ही बारिश हुई, लेकिन पूरी सिटी सराबोर हो गई। इस दौरान आसमान में बिजली कड़कती रही और बादल गरजते रहे। ऐसा लग रहा था कि मूसलाधार बारिश थमने वाली नहीं है, लेकिन रात 8 बजे शुरू हुई बारिश 9:15 बजे थम गई। फिर बीच बीच में हल्की बूंदाबांदी होती रही। बारिश ने मौसम कूल कूल कर दिया। मौसम विभाग ने सिटी में रात 8:30 बजे तक 11.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की। मानसून आने की घोषणा 16 जून को की गई थी, लेकिन बारिश ने बेहद हल्की एंट्री मारी थी। सोमवार को कुछ अच्छी बारिश होने से उमस से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने सिटी का अधिक तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो औसत से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महज 1 घंटे की बारिश ने निकासी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। कई सड़कों व चौराहों पर पानी लबालब भर गया, जिसके चलते वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सिविल लाइन स्थित मनपा कार्यालय परिसर में तो तालाब ही बन गया। निहाल संजय नायक ने SSC बोर्ड में 95.20% व अंशुमन मनीष कहार HSC बोर्ड में 88.67% गुण प्राप्त कर समाज को गौरवान्वित किया। 2022 यह वर्ष भोई समाज के शैक्षणिक प्रगति का वर्ष साबित हुआ, क्योंकि इस वर्ष 10वीं SSC बोर्ड में निहाल संजय नायक, देवेश विजय कहार, हर्ष हरिचंद गौर, चेताली श्रवण नायक, विधि जयप्रकाश कहार, स्नेहा सुधीर गौर, इशिता सुभाष नायक, शानी सुधीर गौर, ऋषभ राजू कहार, वेदांत राकेश नायक, महक प्रदीप गौर, नयनश्री प्रताप नायक, मितेश जीवन नायक, साहिल शेखर गौर, ईशा दिलीप बनवारी, ऋषिकेश इंद्रेश गौर, विधिका गणेश गौर, रौनक नंदकिशोर गौर, क्रिस शंकर गौर, जिंदल अशोक नायक, नंदिनी अरुण गौर आदि छात्रों का भी मेरिट लिस्ट में समावेश रहा। उसी तरह 12वीं HSC बोर्ड में अमरावती में रहने वाले अंशुमन मनीष कहार 88.67%, आकांक्षा जयप्रकाश कहार 82%, वंशिका योगेश गौर 81% गुण प्राप्त किए। इन सभी बच्चों ने अपनी सफलता से समाज को गौरवान्वित किया। शहर के युवा व्यंग्यकार टीकाराम साहू आजाद के बहुचर्चित व्यंग संग्रह परिपक्व लोकतंत्र है जी का विमोचन रायपुर के ब्रह्मविद ग्लोबल स्कूल में आयोजित बहुभाषिक साहित्यकार सम्मेलन में हुआ। व्यंगश्री से सम्मानित देश के शीर्षस्थ व्यंगकार गिरीश पंकज ने व्यंग्य संग्रह का विमोचन किया। व्यंग्य संग्रह का प्रकाशन इंक पब्लिकेशन प्रयागराज ने किया है। ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया द्वारा इंडियन रिपोग्राफी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ KL वर्मा ने की। मुख्य अतिथि विधायक एवं पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा तथा छत्तीसगढ़ मित्र के डॉक्टर सुशील त्रिवेदी थे। गिल्ड के सचिव डॉक्टर शिवशंकर अवस्थी, छत्तीसगढ़ चैप्टर के संयोजक सुधीर शर्मा, नागपुर चैप्टर के संयोजक नरेंद्र परिहार उपस्थित थे। टीकाराम साहू आजाद के व्यंग्य संग्रह परिपक्व लोकतंत्र है जी में समाज साहित्य और राजनीति की विसंगतियों पर चोट करते 39 धारदार व्यंग्य है। यह व्यंग्य संग्रह अमेजन पर उपलब्ध है, जिसे पाठकों का भारी प्रतिसाद प्राप्त हो रहा है। पुस्तक पर 30% छूट दी जा रही है। यह उनका दूसरा व्यंग्य संग्रह है। पहला व्यंग्य संग्रह मंत्रालय में उल्लू था। आजाद के व्यंग्य अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्य संकलन में समाहित है। वे विभिन्न मंचों पर और ऑनलाइन निरंतर व्यंग्य पाठ कर रहे हैं। महामेट्रो की ओर से आज 21 जून को शाम 4 बजे मेट्रो संवाद का आयोजन सीताबर्डी इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन पर किया गया है। महामेट्रो के विविध स्टेशनों पर व्यावसायिक उपयोग के लिए जगह उपलब्ध है। मेट्रो संवाद में महामेट्रो के वरिष्ठ अधिकारी मेट्रो स्टेशनों पर उपलब्ध जगह तथा तत्संबंधी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी उपस्थित लोगों को प्रदान करेंगे। महामेट्रो नागपुर के तहत कस्तूरचंद पार्क से खापरी तथा सीताबर्डी इंटरचेंज से लोकमान्य नगर तक मेट्रो सेवा संचालित की जा रही है। मेट्रो स्टेशन पर व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध जगह PPP तत्व तथा लीज पर आवंटित करने हेतु निविदाएं जारी की गई है। इच्छुक व्यवसायी पसंदीदा स्टेशन पर उपलब्ध व्यावसायिक जगह निविदा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। व्यावसायिक उपयोग के लिए सीताबर्डी इंटरचेंज, कड्डी गोदाम, छत्रपति नगर, जयप्रकाश नगर, उज्ज्वल नगर मेट्रो स्टेशन के समीप व्यावसायिक उपयोग के लिए 5,532 वर्ग मीटर जगह उपलब्ध है। PPP तत्व पर 60 वर्ष की लीज पर जगह आवंटित करने का प्रावधान किया गया है। मेट्रो स्टेशन के आंतरिक और बाहरी क्षेत्र में विज्ञापन संबंधी निविदाएं जारी की गई है। मेट्रो स्टेशन के समीप ही यात्रियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। 5 पार्किंग स्थानों के लिए 1 वर्ष अवधि के लिए निविदा जारी की गई है। महामेट्रो की ओर से मेट्रो यात्रियों की सुविधा के लिए विविध योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। मेट्रो टिकट खरीदने के लिए डिजिटल माध्यम को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मोबाइल ऐप और महाकार्ड के माध्यम से बड़ी संख्या में यात्री टिकट राशि का भुगतान कर रहे हैं।
भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से यात्रियों के लिए महाकार्ड जारी किए गए हैं। अब तक 22,621 महाकार्ड की बिक्री हो चुकी है। महामेट्रो ने यात्रा की सुविधा के लिए EMV स्मार्ट कार्ड आधारित ओपन लूप ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन AFC प्रणाली को अपनाया है और इसे नागपुर के सभी मेट्रो स्टेशनों पर लागू किया गया है। इस प्रणाली के साथ यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने और उतरने के लिए मेट्रो स्टेशन के ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन AFC गेट पर केवल अपना कार्ड टैप करना होता है और इसके माध्यम से कार्ड से यात्री किराया काट लिया जाता है। खास बात यह है कि अगर आप कार्ड के जरिए मेट्रो से यात्रा करते हैं तो आपको टिकट की कीमत पर भी 10% की छूट मिलती है। महाकार्ड सभी स्टेशनों पर उपलब्ध है। महाकार्ड और अत्याधुनिक AFC प्रणाली पूरी तरह से सुरक्षित और पारदर्शी है। 17 जून को 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित हुआ। इस कक्षा में और 12वीं कक्षा में लड़कियों ने हर साल की तरह इस साल भी बाजी मारी। इस अवसर पर कामगार आघाड़ी और भाजपा युवा मोर्चा की ओर से भास्कर पराते, प्रवीण सपारे, सोनू वर्मा के नेतृत्व में आज मध्य नागपुर के सभी मेधावी विद्यार्थियों का विशेष सत्कार उनके घर जाकर किया गया। इस सत्कार समारोह में उनके माँ बाप का भी सत्कार किया गया। इस अवसर पर शहर अध्यक्ष तथा पूर्व पार्षद भास्कर पराते ने कहा कि आप सभी बच्चे डॉक्टर कलाम की नज़र और हमारी सबकी नज़रों में देश का भविष्य है, इसलिए आप और अच्छा पढ़ाई कीजिए। और उन्होंने कहा कि अपने परिसर में सरकारी पुस्तकालय है, यह एक बेहतरीन और सभी सुविधाओं से लैस पुस्तकालय है। जिन विद्यार्थियों को घर में पढ़ाई करने के लिए जगह नहीं है, जिनके पास किताब नहीं है, वह विद्यार्थी इस पुस्तकालय का लाभ ले सकते हैं। यह तरह तरह के किताबों का संग्रह है। यह सब किताबों विद्यार्थियों और ज्येष्ठ नागरिक वाचन प्रेमी नागरिकों के लिए है। जल्दी हम अपने विधायक विकास कुंभारे, अध्यक्ष प्रवीण दटके के प्रयास से इसे डिजिटल लाइब्रेरी बनाने हेतु प्रयत्न करेंगे। महेश नवमी के पावन पर्व पर श्री बड़ी मारवाड़ माहेश्वरी पंचायत हिवरी नगर नागपुर स्थित भवन में स्वर्गीय श्रीमती गणपति देवी रामलाल जी मालू की स्मृति में पूनमचंद पुरुषोत्तम एवं श्रवण कुमार मालू परिवार के सौजन्य से नवनिर्मित लिफ्ट का लोकार्पण श्याम सुंदर सोनी एवं पुरुषोत्तम मालू के हस्ते हुआ। कार्यक्रम में पूनमचंद मालू, श्रवण कुमार मालू, रमेश रांदड़, कमल किशोर तापड़िया, मधुसूदन सारडा, नंदकिशोर बजाज, गोविंद पसारी, गिरधर इन्नानी, ब्रजगोपाल दरक, घासीराम मालू, राजेश बजाज, हरीश सोनी, कमल कलंत्री, मनोज लोया, नितेश भट्टड़, रमनलाल बाहेती, विजय सारडा, मनोज लटुरिया, सुनील भुतड़ा, अमृतलाल मालू, रामनिवास मुंदड़ा, ओम प्रकाश सोनी, संदीप साबू, गोपी किशन भट्टड़, मीना दरक, जयश्री बियानी आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सचिव राम अवतार तोतला ने किया। भारतीय रक्षा विभाग में अग्निवीर की भर्ती के खिलाफ जारी उग्र विरोध प्रदर्शन के कारण उत्तर भारत से चलने वाली अधिकांश ट्रेनों की यातायात समय सारिणी पूरी तरह से बिगड़ गई है। सोमवार को पटना से नागपुर आने वाली 2 ट्रेनें रद्द रही। इनमें दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस और दानापुर बेंगलुरु संघमित्रा एक्सप्रेस शामिल रही। वहीं एर्नाकुलम पटना एक्सप्रेस को रीशेड्यूल किया गया, जिससे यह ट्रेन 11 घंटे की देरी से चली, हालांकि वापसी में चली। सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से चली। उपद्रवियों ने सिकंदराबाद स्टेशन पर भी ट्रेनें जलाकर जमकर उत्पात मचाया था। उधर महीना बीतने के बाद भी हावड़ा से आने वाली ट्रेनों की लेट लतीफी जारी है। रविवार को संतरागाछी पोरबंदर एक्सप्रेस 4.25 घंटे की देरी से चली। इसी तरह हावड़ा LTT गीतांजलि एक्सप्रेस 4.25 घंटे, हावड़ा मुंबई मेल 3.5 घंटे, हावड़ा पुणे आज़ाद हिंद एक्सप्रेस 4.25 घंटे, हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस 3.25 घंटे, शालीमार LTT ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस 4.5 घंटे की देरी से नागपुर पहुंची। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 2,327 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 2,70,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इसी तरह जुआ अधिनियम के अंतर्गत 3 मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 15,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। इसके अलावा मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 4 मामलों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे 67,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने यह आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। उकनीकोल माइंस के हेड सिक्योरिटी गार्ड दशरथ डौरे की शिकायत के आधार पर पुलिस ने सचिन रामटेके के खिलाफ हत्या का प्रयास और कोयले की तस्करी को लेकर मामला दर्ज किया। मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए सचिन रामटेके की ओर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश अनिल किल्लोर ने अग्रिम जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। रामटेके की ओर से अधिवक्ता रमेश रावलानी और अधिवक्ता अतुल रावलानी ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष के अनुसार उकनी कोल माइंस में दशरथ मुख्य सुरक्षा कर्मचारी के रूप में कार्यरत था। 10 फरवरी की रात एरिया सिक्योरिटी इंचार्ज राजमंगल ने फोन कर बताया कि कुछ लोग 2 ट्रक भरकर कोयले लेकर जा रहे हैं।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सूचना मिलते ही दशरथ और खदान के अन्य कर्मचारी कोयला चोरों को पकड़ने के लिए निकल पड़े। इसी बीच पुलिस को भी सूचना देकर घटनास्थल पर आने को कहा गया। घटनास्थल पर पहुंचते ही कोयला चोर ट्रक लेकर भागने लगे। उन्हें पकड़ने की कोशिश करने पर आरोपियों ने दशरथ और अन्य कर्मचारियों पर पथराव शुरू कर दिया। साथ ही ट्रक चालक ने इन्हें ट्रक से कुचलने का प्रयास भी किया। इन सब समस्याओं के चलते अब कोर्ट भी इस मुद्दे को सुलझाने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ एकजुट होकर कार्रवाई कर रही है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।